नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जिन भी इष्ट की हम भक्ति करते हैं, दिन रात जिनके नियमित पाठ मंत्र आदि का जप करते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि अपने इष्ट के सही स्वरूप को हम समझ नहीं पाते। और विशेष करके हनुमान जी की भक्ति में, जो इस कलयुग में सबसे ज़्यादा फलित होने वाले हैं, यदि हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को समझे बिना हम उनकी भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। और कहना चाहिए कि हनुमान जी ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी की भक्ति, उन्हें रोज़ भोग लगाना, धूप दीप उन्हें अर्पित करना, पुष्प उन्हें अर्पित करना, मंत्र जपना, इन सब चीज़ों से बहुत आगे है, बहुत गहरी है। ये तो हनुमान जी की भक्ति का केवल एक भौतिक स्वरूप है, प्रारंभिक चरण है। अभी तो भक्ति के गहरे सागर में उतरना बाकी है, उस सागर में तैरना बाकी है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंचना अभी बाकी है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस अंक में हम जानेंगे उन विशेष कारणों को जो हमें हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने से रोकते हैं और जिनकी वजह से हनुमान जी हमारी भक्ति, हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते। सबसे पहला बिंदु है, किसी के अहित के लिए की गई पूजा भक्ति, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए की गई भक्ति हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं करते। और इस प्रकार की भक्ति का बहुत ही कठिन, भयंकर परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। जो भी आपका विरोधी है, चाहे वो आपके संग कितना भी गलत कर रहा है, उसकी अहित के लिए हनुमान जी से प्रार्थना बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो भी हनुमान जी के ही संतान है। उसके लिए स्वयं कुछ बुरा ना मांगें। किस प्रकार न्याय करना है ये आप हनुमान जी पर छोड़ दें। अगर हनुमान जी से उनके लिए कुछ मांगना ही है तो शत्रुओं को सद्बुद्धि दें, ऐसा मांगें हनुमान जी। इस प्रकार से आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनके चित्त की शांति के लिए प्रार्थना करें, अपनी रक्षा के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। किसी के अहित के लिए की गई प्रार्थना भक्ति हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं करते। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि दिखावे और अहंकार से बिल्कुल दूर रहें। दिखावा और अहंकार, इन दो विकारों से ग्रसित व्यक्ति की सेवा हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी बेहद सरल हैं और भक्त यदि चालाकी का व्यवहार करता है तो हनुमान जी ऐसी पूजा बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। अहंकार का सदैव त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार साक्षात नर्क का कारण होता है। और ये जो अहंकार है, अधिकतर हमारे अंदर छिपा हुआ होता है, जिसका बाहर से पता नहीं चलता, कई रूपों में हमारे अंदर विद्यमान होता है। दिए गए दान को बढ़ा चढ़ाकर बताना अपनी भक्ति का अहंकार कई लोगों को हो जाता है। अब वहीं बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले साधकों को अपनी साधना का अहंकार हो जाता है। दूसरों को हीन समझना, स्वयं को श्रेष्ठ समझना, इस प्रकार के भाव हनुमान जी की कृपा प्राप्ति में रोक लगाते हैं। भले ही बाहरी रूप से आप नम्र हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी से जो आपका जुड़ाव है वो आपकी अंतर मन के पवित्रता पर निर्भर करता है, बाहरी आचरण या बाहरी व्यवहार पर नहीं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी किसी प्रश्न के फंडामेंटल्स को समझे बिना उत्तर को रट कर परीक्षा दे देता है, हो सकता है कि नंबर भी अच्छे ले आए, लेकिन उसका ज्ञान खोखला होता है, व्यर्थ होता है। उसी प्रकार हनुमान जी के मर्म को समझे बिना उनकी पूजा और भक्ति व्यर्थ हो जाती है। और फिर भक्त सोचते हैं कि हनुमान जी हमारी सुन नहीं रहे, क्योंकि दुर्भाग्यवश कई लोग रट कर भक्ति कर रहे हैं। पूजा साधना के नियम क्या हैं, विधि मंत्र का उच्चारण आदि, ये सब रट कर भक्ति करते हैं और वास्तविक फल से वंचित रह जाते हैं। कई लोग मंत्र के शुद्ध उच्चारण के लिए परेशान होते हैं, कई लोग माला असली है या नकली इसके लिए परेशान होते हैं, कुछ लोगों की परेशानी होती है कि उनका संकल्प खंडित हो गया। लेकिन ठीक एक विद्यार्थी की तरह, अगर आप हनुमान जी के जो फंडामेंटल्स हैं, उनके जो मर्म हैं, उनको समझकर आप हनुमान जी से प्रेम करेंगे, तो समझ में आएगा कि विशाल हृदय हनुमान जी की भक्ति के लिए स्वयं में भी विशाल हृदय धारण करना होता है। फिर पूजा और भक्ति में इस तरह की अशुद्धियाँ या गलतियाँ आपको प्रभावित नहीं करते, और हनुमान जी इन चीज़ों से कभी भी नाराज़ नहीं होते। हनुमान जी को सिर्फ ईश्वर मानकर पूजा मत करिए, हनुमान जी को केवल एक प्रचंड शक्ति के स्वामी मानकर उनकी पूजा बिल्कुल मत करिए। हनुमान जी को अपना सर्वस्व मान लीजिए, बिल्कुल पिता मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर देते हैं। जिस प्रकार भौतिक जगत में एक शिशु गलती करता है तो उसके पिता उसे माफ़ कर देते हैं और हमेशा की तरह उससे प्रेम करने लगते हैं।
जब पराशक्ति को एक पिता के रूप में और स्वयं को एक शिशु के रूप में आप देखेंगे, तो इस प्रकार की गलतियों से आप मुक्त हो जाएंगे और सही रूप में आप हनुमान जी से जुड़ पाएंगे। अगला जो बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका यदि पालन नहीं किया गया तो हनुमान जी हमारी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते, और वो है कि अपने जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान करना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का, अपने उत्तरदायित्व का बोध होना और उन्हें निभाना। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चाहे कितने ही भेंट अर्पित कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अगर उनके प्रति आपके मन में आदर नहीं है, तो हनुमान जी ऐसी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। और ऐसे लोगों को तो हनुमान जी की भक्ति करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में उन्हें हनुमान जी के कोप का भाजन बनना पड़ता है। जब हम इस मानव शरीर को धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ ऋण अपने आप ही आ जाते हैं, जिसमें मातृ ऋण और पितृ ऋण, ये बहुत बड़े ऋण होते हैं, और यदि इन ऋणों को हम नहीं चुकाते तो हनुमान जी की भक्ति का, उनकी पूजा करने का, उनके मंदिर जाने का हमें कोई अधिकार नहीं। जो लोग अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों को आगे चलकर इसका भुगतान भी करना पड़ता है, और उनके स्वयं की संतानें गलत रास्ते पर चली जाती हैं, और फिर ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा आदि करके उन्हें बड़े बड़े महंगे महंगे भेंट देकर ये शिकायत करते हैं कि हनुमान जी हमारे सुनते नहीं। और जहाँ तक हनुमान जी को चढ़ावा चढ़ाने की बात है, तो हनुमान जी स्वयं कुछ नहीं मांगते, वो तो बेहद सरल है। भक्तों का भाव ही उनका आभूषण है, वो उसी को धारण करते हैं। व्यक्ति के घर में यदि उसकी माँ परेशान है, बहन परेशान है, पैसों की दिक्कत है और उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, और वो व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चढ़ावा चढ़ा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की पूजा पाठ, ऐसी भक्ति सब व्यर्थ हो जाती है। हनुमान जी ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करते, पूजा का फिर आपको फल प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे भक्त फिर कहते हैं हनुमान जी की पूजा करने का हमें फल नहीं मिल रहा। तो हनुमान जी के प्रेम को यदि आपको प्राप्त करना, उनकी कृपा को प्राप्त करना, यदि भक्ति को फलित करना है, तो सर्वप्रथम अपने घर में जो आपके माता पिता हैं उनसे प्रेम करना सीखिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि घर की परिस्थिति को देखकर ही दान पेटी में दान डालिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति गरीब है, आपसे मदद मांग रहा है, पैसों की मांग कर रहा है या किसी भी प्रकार की सहायता की मांग कर रहा है, तो उसकी सहायता पहले करिए, तब मंत्र जब पूजा पाठ हनुमान जी का करें। क्योंकि यदि सामर्थ्यवान होते हुए भी आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करते जो आपके सहारे है, आपका मुख देख रहा है, जिसकी आप मदद कर सकते हैं, और फिर माँ की पूजा करते हैं, आप मंत्रों का जाप करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तो ऐसी साधना भी फलित नहीं होती। कुछ समय के लिए तो फलित हो जाएगी ऐसी पूजा साधना, लेकिन आगे चलकर ये सब व्यर्थ हो जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है, मांस और मदिरा, इन दोनों चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ही हनुमान जी की कृपा प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे ऊर्जा शरीर को दूषित करती हैं, बहुत सारे विकार हमारे अंदर पैदा करती हैं। किसी भी जीव की हत्या करके उसे अपनी क्षुधा को शांत करना, अपनी तृष्णा को शांत करना, ये बहुत बड़ा अपराध है, निंदनीय है। साथ ही मदिरा सेवन ये उत्तेजना का कारण होता है, विभिन्न प्रकार के विकारों को पैदा होने का कारण है, जो भक्त के मन और शरीर को विकारग्रस्त कर देते हैं, साथ ही परिवार में और समाज में अशांति का कारण है। और इस प्रकार के उत्तेजित मन और शरीर से की गई साधना पूजा, इस प्रकार की दूषित मन मस्तिष्क के साथ की गई हनुमान जी की पूजा साधना, उनकी भक्ति को हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं करते। तो जिन लोगों को भी हनुमान जी की पूजा और भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा, कई कई साल उन्होंने हनुमान जी की भक्ति में लगा दिए, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, ये देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे आचार व्यवहार में, हमारे जीवन में इनमें से कोई भी एक कारण हमारे अंदर पल तो नहीं रहा। क्योंकि जितना सत्य ये वचन है कि हनुमान जी के दरबार से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते, हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, उतना ही ये वचन भी सत्य है कि इस प्रकार के विकारों से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भी भक्ति हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी बेहद सरल हैं और उनके लिए हर जीव समान रूप से प्रिय है, तो उसी प्रकार हमें भी सभी से समान रूप से प्रेम करना होगा, बिना किसी भेदभाव के। फिर देखिए कि नित्य घंटों साधना पूजा करने के बाद भी जो फल हासिल नहीं हो रहा हनुमान जी की भक्ति में, वो थोड़े समय ही हनुमान जी की भक्ति करने से आपको प्राप्त हो जाएगा।
मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। कृष्णा 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 कृष्णा